मैं सारा कर दूंगा। एक मिनट, मैं सोच रहा हूँ। दीपक, हेलो, नमस्ते। नमस्ते बच्चों। राजी, हाँ जी सर, आज रिलैक्स हुआ सर, बैठने के इधर कल देखिए बड़ौदा चुनाव का एक प्रचार कल खत्म हो गया भाई, मैं और वहाँ जो जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला है अभूतपूर्व जन समर्थन है और भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीती। चुनाव हमने लड़े कि ऐसा चुनाव जो लोग अपने आप चुनाव लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं, कोई बगैर मेहनत करे अपने आप ही तैयार खड़े हैं। ये चुनाव में पहली ऐसे चुनाव में पहली दफा देखा इतना जोश से और उससे, हालांकि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी गई जो इनका इलेक्शन कमीशन के रूल का उल्लंघन करने के लिए मतदाता बताएंगे आपको उल्लंघन हुए, लेकिन फिर भी जन जन समर्थन हर वर्ग का बहुत जबरदस्त कांग्रेस पार्टी। आप क्या बता रहे थे इस बाई इलेक्शन के अंदर सरकार की जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे देती है इससे ज्यादा सरकार का इंटरफेरेंस प्रलोभन हमने किसी चुनाव के अंदर नहीं देखा। मैं आपके सामने एक मिनट रोका सिर्फ आपकी कि इससे ज्यादा क्या होगा कि कैंडिडेट खुद ये आपकी किसी उसकी है कि कैंडिडेट कहता है कि अगर बांट भी रहे सिलेंडर तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, तो सिलेंडर क्या प्रलोभन नहीं है, क्या करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। बड़ी खबर आ रही है जहां बरोदा में चुनाव में जमकर जो है वो आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उसको कौन सा नहीं 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 उसका एडमिशन है उसके बाद सरोनी न्यूज हमने देखा है वो कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉल आ रहा है। हां हां तो जब कैंडिडेट ही इस बात के लिए स्टैंड जी है कि गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही है। हमने ऊपर तक सबसे बात की है, हमने इन अधिकारियों की कंप्लेंट भी की है, हमने एसपी जी मिस्टर ओपी नरवाल हैं उनके खिलाफ भी कंप्लेंट की है, गैस सिलेंडर की कंप्लेंट की है, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट की है और ये उन सब इलेक्शन कमीशन की उसकी कॉपी है। लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं इस मुख्यमंत्री को इस बात के लिए जो यहाँ पर आया एक दिन के लिए मुख्यमंत्री, उसको सोचना चाहिए इस बात के लिए। इससे ज्यादा प्रलोभन फिर भी लोग जिताएंगे, ये भी बहुत बढ़िया सब बात तो वो जनता नकार चुकी है और कांग्रेस को जिताएंगे। ये गांव है एक तो गढ़वाल रुखी,
ये तो हमारे पास इनका इनका सबूत है कि वहाँ पर बड़ौदा के अंदर गैस सिलेंडर का अभी हुडा ने अभी एसीओ से और एसवीओ से बात की है गैस सिलेंडर इससे में भी गोहाना के अंदर महिंद्रा गैस एजेंसी के अंदर ये सिलेंडर बांटे जाए बड़ौदा की चौपाल में बांटे जाए बड़ौदा हल्का जितने भी गांव है सब में ये अवगत की जा रही है। हुडा साहब आपने अंदेशा लगाया था लोगों से कहा था कि 48 घंटे किसी भी लोगों को सोने की जरूरत नहीं क्या ये अंदेशा आपको पहले से था कि चुनाव में गड़बड़ हो सकती है ये जब चुनाव हार चुके हैं हाथ पैर मारे डूबता आदमी हाथ पैर मारता है तो हाथ पैर मार रहे अंदेशा पहले से था ये अंदेशा था डूबते हुए हाथ पैर मारेंगे उन्होंने भी कंप्लेन किया था योगेश्वर दत्त के लिए उसको लेकर भी आपने कोई और हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर पूरा आर्टिकल भी उसपे आया हुआ है उसका साथ में फोटो भी आया हुआ है हिस्ट्री शीटर जिसके खिलाफ पार्लियामेंट इलेक्शन रोहतक के अंदर अभी भी पर्चा दर्ज है और उनके पास वहां से कारतूस भी मिले थे और गाड़ी की डुप्लीकेट नंबर प्लेट भी थी ही रिमेन अंडर कस्टडी ऑल्सो और तीन दिन के बाद उसको भेज दिया और हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि ये जो अधिकारी चाहे वो नरवान है या एसपी सोनीपत है या डीएफएससी है या सीएम ऑफिस के कुछ उनके अधिकारी हैं और जितने भी अधिकारी इस चुनाव में अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं हम इनका इलाज करना जानते हैं हमने चुनाव आयोग को भी लिखा है इनके खिलाफ जो क्रिमिनल कंप्लेंट है वो भी दायर करेंगे और अगर ये बाज नहीं आए तब इनका दूसरा इलाज भी करेंगे इनको इस तरह से हरकत नहीं करने देंगे अगर ये समझते हैं कि सत्ता के नशे में और ये इस चुनाव को किसी भी तरीके से खराब कर पाएंगे तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। और होने भी नहीं देंगे इतने कमजोर कहाँ और इस चुनाव के अंदर जो कृषि के 3 कानून थे उनका भी लोग ठोक के जवाब दे रही जीरी तक्के खा रहे हैं लोग मैंने खुद कल देखा मंडी में जहाँ पर जितना किसान का इस समय बुरा हाल है और जितना जीरी का बुरा हाल कर रखा है आज तक कभी इस बात लेते हैं 5 क्विंटल 4 क्विंटल वापस दे जाओ इतना बुरा हाल है किसान का और कपास का MSP नहीं दे रहे 5700 MSP है 4500-4700 में बेचारा बेच के वहां पर आ रहा है और सेल के बाद एक बात और भी है बड़ी इम्पोर्टेंट जब इन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा कर दिया और उसके बाद अगर किसी किसान ने वहां पर एंट्री नहीं भी करवाई उसके बाद उसकी जमाबंदी है उसकी खसरा गिरदा हो रही है वहां पर पहुंचता है उसको धक्के खाते हैं इंटरटेन नहीं करते और MSP से कम पैसे में बेच के आ जाता है उस वक्त किसान का क्या कसूर है चाहे सरकार एपो पे चली ये जो रोज ऐप चलाते हैं चले एपो में किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है पर इनको तो एपो से मतलब है और किसान से कोई मतलब नहीं कल जो है हरियाणा डे था उप मुख्यमंत्री हरियाणा रोहतक में मौजूद थे उनसे अलग राजधानी का सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि अगर पंजाब चंडीगढ़ से अपना हक छोड़ दे और हाईकोर्ट से अपना हक छोड़ दे तो हरियाणा विचार कर सकता है और चंडीगढ़ को यूनिट टेरिटरी ही बना दे और दोनों प्रदेशों की अलग उनका ये कहना है कि पंजाब चंडीगढ़ से अपना हक छोड़ दे हाईकोर्ट से अपना हक छोड़ दे और चंडीगढ़ यूनिट टेरिटरी रहे और पंजाब हरियाणा का भाई नहीं जिस तरह का प्रपोजल प्रदेश के मुख्यमंत्री रख रहे हैं कि अगर पंजाब छोड़ता है तो हम विचार करने को तैयार हैं क्यों छोड़े हम चंडीगढ़ एक सपोजिशन ज्यादा करके कर रहे हो तो वो होगा ऐसे खबर बाद में लेने चलो सब कह रहे हैं सर आपका क्या रुख है जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने ऑफर दिया है पंजाब तो आपका क्या रुख है आप भी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भाई मेरा रुख साफ है हरियाणा पंजाब के 3 झगड़े हैं पानी का है टेरिटरी का है और राजधानी का है एक एक करके नहीं तीनों इकट्ठे निपटेंगे पहले सबसे पहले प्राथमिकता हमारे को अपनी पानी की है
पहले हमारा पानी आए, हमारी जमीन मिले, उसके बाद ये विचार होगा। अच्छा हुड्डा साहब, जिस तरह से आप कह रहे हो कि भारी समर्थन के साथ कांग्रेस जीतेगी और उसके बाद जो समीकरण होंगे वो राजनीतिक दिशा तय करेगी प्रदेश की, तो किस तरह से तय करेगी वो प्रदेश की राजनीति? हेलो, हमें करूंगा छोड़ते मैं छोड़ते हूँ। नहीं देख, जिस तरह से आज से 30 साल पहले मैम का एक बाई इलेक्शन हुआ था ना, तो दिशा बदल दी थी ना। एक बाई इलेक्शन ऐसी परिस्थिति में कई बार होती है, प्रदेश की दिशा बदलती, जो आज हालत चल रही है इसकी, सरकारी कोई समावेश नहीं है इसमें, है और कोई चेयरमैन बनाता है चेयरमैन ही नहीं लेता, इनकी आपस मंत्रियों की कोई कुछ, एक इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, एक कुछ कहता है और दूसरा कुछ कहता है, ये आपके सामने ही है। तो ऐसे आएगा तो एक लोगों की जितना के सामने ही दिशा दशा बदल जाए। चुनाव में तो हिंसा हुई थी, उसकी वजह से सारा माहौल था, तो आशंका वोट अगर ठोकते हैं तो लोगों में 10 लाख की हमारी 10 साल की हमारी उपलब्धियाँ, 6 साल की उसकी विफलता और रिजल्ट आने का तो समय यही आया, मुड़ौदों से बता लग जाएगा। सर जिस तरीके से लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं फरीदाबाद के बाद, ये तो किसानों के कितने विरोधी हैं आप इस बात से अंदाजा लगा लो। सारे किसान भाई मजदूर भाई इकट्ठे हो गए वोट दे रहे हैं कि ये तो किसान को पराली जलाने के नाम पोल्यूशन खत्म होना चाहिए, उसके लिए कोई और तरीके निकाले। पराली जलाने के 6,000 के लगभग मुकदमे दर्ज कर दिए। अब इनकी सरकार का सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि 1 करोड़ रुपया जुर्माना लगाएंगे जो जलाएगा, उनको इंसेंटिव दें ताकि वो अपने खेत में से उठा उसको पास के मशीनें ज्यादा जाए। किसान को तंग करते हैं पूंजीपति के, तो यहाँ तक कहते हैं कोरोना की आड़ में कि सारे ब्याज भी माफ हो जाएंगे, हर किसान के ऊपर चक्रवर्ती ब्याज भी लेना चाहते हैं। तो इन सब चीज का बदला बड़ौदा की जनता देगी और निश्चित रूप से ये जनमत होगा केंद्र की और प्रदेश की सरकार के खिलाफ बड़ौदा चुनाव। अरोड़ा साहब, इनेलो का भी गढ़ रहा है वो, आपकी भी सरकार रही है, आपने क्या किया? देखिए बात यह है कि इनेलो का गढ़ जब था उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से अब तक कांग्रेस पार्टी जीतती रही है, कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने वहां पर काम किए। जहां तक उस सरकार की बात है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, कभी आगे नई बात क्या आएंगी फिर करेंगे। हुड्डा साहब के काम तो आज भी बोलते हैं, आपके इनेलो के कहां? मैंने कहा जी इनेलो के काम किए उसके इनेलो ने, तो आज 20 साल से सत्ता से बाहर है इनेलो, तो कांग्रेस में है अब इनेलो सत्ता से बाहर आ गए। ये तो इनेलो इनेलो वाली बात, तो जब मैं इनेलो में था जब आप पूछते तो जवाब देता नहीं आप। आज की बात मैं ये कह रहा हूँ कि आज देश के किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, हरियाणा पंजाब के अंदर तो कितने आंदोलन हो रहे हैं, एक ही पार्टी और एक ही नेता जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो किसानों के साथ आज खड़े हैं। हुड्डा साहब, ये जो विधानसभा का सत्र आने वाला है, अनिल विज ने कहा है कि बिल लेकर के कानून बनाएंगे विधानसभा। सर जिस तरीके से बल्लभगढ़ के बाद रेवाड़ी में एक 16 साल की लड़की को मुस्लिम लड़के लेकर के गए, 21 दिन से उस लड़की का पता नहीं चल रहा है, क्या कहना चाहिए? जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा जो 16 साल की लड़की को मुस्लिम लड़के लेकर के गए और अभी तक 21 दिन होने के बाद भी FIR भी हो गई, कोई पता ही नहीं चल रहा। कानून व्यवस्था विफल है प्रदेश में, कानून व्यवस्था नाम की चीज कोई नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है सरकार आई नहीं। रोज ऐसे जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए प्रति उसमें निवेश में एक था वो आज इस चीज में एक नंबर हो गया, बेरोजगारी
अपराध की तरफ तेजी से नंबर एक पे जा रहे हैं और भ्रष्टाचार अपराधी की जाति और धर्म थोड़ी होती है। अपराधी तो अपराधी किसी भी जाति का और धर्म का अपराधी अपराध है उसके साथ अपराधी अपराधी कोई हो अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा हुड्डा साहब ये जो घटना घटी है बल्लभगढ़ वाली इसके बाद जो है गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो विधानसभा में लव जिहाद के ऊपर कानून लेके आएंगे क्या प्रतिक्रिया सर क्या क्या कानून लेके आएंगे आप समर्थन कई बार एडवांस में क्या समर्थन कई बार कह चुके हैं ऐसी बात पार्लियामेंट्री सिस्टम है बिल आएगा खबर पड़े खबर के इसका थोड़ा खबर बनती है आप समर्थन करेंगे नहीं करेंगे ये थोड़ा तेरे बाइट के लिए सब कुछ बोलेंगे तो आप तो आप बीच में बोल, बोल, बीच, बोलते बीच में बोलने की बात नहीं है बात यह है सर बाइट आप लगेगी बिल आया नहीं है बिल झूठ बोला है सबका इलाज है क्या बिस्तरों झूठ बोला है अरे वो मैं पहले कह चुका इसने जल्द मैं कह चुका बिल बिल में क्या है देखेंगे क्या प्रावधान है क्या तू सुनता था नहीं पूरी और जवाब दे दिया मैंने फिर दोबारा क्यों पूछा था ये तो पूछा सर उसमें कट जाती है बड़ौदा चुनाव पे आओ हाँ आओ उल्लंघन हो रहा है तो आपका स्टैंड क्या रहेगा तो आप क्या मार्ग उल्लंघन हो रहा है बार बार उस पर क्या आपकी ओर से प्रतिक्रिया है क्या करेंगे आप क्या कांग्रेस पार्टी जीतेगी मैं समझ कितने मार्ग जो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है उसके लिए क्या स्टैंड है सर आप हमने कंप्लेंट कर दी सारी बात कर दी लेकिन स्पाइट ऑफ ऑल दैट भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और जो अधिकारी सरकार से विश्वास ही उठ गया ये तो कई बार आज सेंटर दिया कल उठे ले जाएंगे आज पाइप गिरे कल उठे ले जाएंगे नबड़ी कोई कोई इसमें उसमें नहीं आता प्रॉब्लम इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल आता क्या चुनाव आयोग पर चुनाव आयोग तो अपना एक्शन लेगा और जो अधिकारी सरकार के इशारे पर चुनावी प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं उनको हमने आइडेंटिफाई भी किया है और कभी कल भी आए हैं चाहे वो कोई अधिकारी हैं इनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी हम चला रहे हैं और इनका दूसरे तरीके से भी इलाज करेंगे। हरियाणा में इस तरह की हरकत इन अधिकारियों की हम होने नहीं देंगे। जो ये सरेआम आज जिस तरीके से आज जाए कोई अधिकारी कोई गैस बांट रहा है कोई शराब बांट रहा है पैसा बांट रहा है दलाल फार्मूला है बताओ कुछ तो बताओ वही बता रहे हैं ना जो भी अच्छा सर एक सवाल है मेरा जब समीकरण बना रहे थे भाजपा और जसपा ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी को जो पिछली बार वोट पड़े हैं और जननायक जनता पार्टी को जो वोट पड़े हैं दोनों मिलकर प्रचार करेंगे तो हमारी सीट निकल जाएगी और कांग्रेस बुरी तरीके से आपको लगता है कि ये जो उनका सोच का जो गठबंधन है तो इसमें प्रचार करने संयुक्त रूप से आए उसमें कोई फायदा मिलेगा क्या उनकी जमानत क्या सोच रहे हैं आप लोग क्या प्लान अरे वोट किसी की सपोर्ट किसी की तो वोट गई थी वो अब दूसरी सपोर्ट में था जाएंगी वो वोट दो थी जैसा कहेंगे वो बीजेपी के खिलाफ जो वोट गई थी बीजेपी के खिलाफ ही रहेगी और बोलो सीधा देख कंटिन्यूटी में आप ना एक डेढ़ मिनट की थोड़ा सा मास इसमें कर दोगे इससे ना आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही चलो एक कंटिन्यूटी में ना सामने एक कंटिन्यूटी में ना लगातार चुनाव और शासन करेंगे किस तरह की जो बीजेपी की तरफ से चुनाव था सीता गौर लोगों ने उसमें हमने शिकायत की है ये ओवरऑल कंटिन्यूटी में एक डेढ़ मिनट एक बार रेडी कर लो सामने देखिए जी सर आज हुड्डा साहब 3 तारीख को कल चुनाव होगा क्या लगता है आपको क्या स्थिति रहेगी और आप नेक्स्ट चुनाव चुनाव प्रचार कल शाम को खत्म हो गया
और अब वहाँ चुनाव गांव का रहेगा, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, ये चुनाव में जो जनमानस था, जो जन समर्थन रहा, वो 36 बिरादरी का कांग्रेस के प्रति रहा और भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं, कोई शक की बात नहीं। हालांकि बहुत सारी उल्लंघनाएं सरकार ने की, जो इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स को वायलेट किया, वहां के जो हमारे एजेंट है, कैंडिडेट हैं, उन्होंने शिकायत भी करी है, कंप्लेंट भी करी है, कभी कहीं कर रहे हैं, कहीं अलग अलग चीजें कर रहे हैं, लेकिन ऑल डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट लोग बंद बना चुके हैं भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। अच्छा, एक तीन इशू हरियाणा के बनने से लेकर अब तक है, अलग हाईकोर्ट का, अलग राजधानी का और पानी का मुद्दा, उस पर आपका क्या स्टैंड? वो तुम्हारा कभी से है, तीन मुद्दे हैं, पानी, राजधानी और हाईकोर्ट। तो जहां तक सवाल है हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट का तो हमने कहा भाई चंडीगढ़ में हमारा बनाओ, हाईकोर्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तीनों इंटरलिंक्ड है और सबसे ज्यादा प्राथमिकता हमारी पानी की है। पहले पानी का हमारा हिस्सा पूरा आए, जब आगे बात की जाए। सर, एक सर, सर जो क्वेश्चन का कोई बातचीत की वहाँ पे है? पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, आपकी ओर से भी कोई निवेदन या कोई एप्लीकेशन भी हो? ये सरकार जो है हरियाणा सरकार, सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ हमारे हक में, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रही, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराती। आज जब मीटिंग हुई थी साफ हो गया था भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनलिटी अटेंड कर चुका है, फिर ये जा देते हैं मामले को, बात करने तैयार हो जाते हैं। क्यों तैयार होते हैं हरियाणा सरकार बात करने, जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट दे दिया अपना केंद्र से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में भी आ रही है, हरियाणा में भी सरकार खराब है सर, तभी तो अभी तो ऐसा हो रहा है। सर, जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने पंजाब को एक ऑफर दिया कि चंडीगढ़ पे वो अपना छोड़ दें, हम भी विचार कर सकते हैं, अलग अलग दोनों प्रदेशों की राजधानी हो, तो आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, क्या स्टैंड है? चंडीगढ़ दुष्यंत चौटाला का ऑफर देना क्या बेस है? क्या कैबिनेट ने पास कराया? क्या हरियाणा गवर्नमेंट ने कैबिनेट में पास किया? क्या किसके बिहाफ पे ऑफर कर रहे हो? लेट मी नो। सर, बड़ौदा उपचुनाव में मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर एमएसपी खत्म होती है, और आपने भाषणों में कई बार कहा कि ऐसा है जो नए एक्ट आया है, अगर उसमें एमएसपी का कहीं भी प्रावधान हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वो क्यों छोड़ेंगे या वो छोड़े? वो कह रहे एमएसपी है ही नहीं, वो कह रहे एमएसपी खत्म ही नहीं होगी, एमएसपी है ही नहीं नए कानून में। ये तो मांग ही कर रहे हैं ना, ये तीन कानून बने, इसके चौथा कानून लेके आए जिसमें प्रावधान करे कोई भी कॉर्पोरेट हो, कोई भी हो, एमएसपी से कम खरीदे तो उसको सजा मिलनी चाहिए, जब किसान के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहेगी। सर, पराली को लेकर सवाल, सर एयर पोल्यूशन को लेकर 1 करोड़ रुपए का जो फाइन इम्पोज करने की बात कही अभी, उसको लेकर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि हरियाणा के जो किसान है उनको इंसेंटिव देना था 100 रुपए, वो तो सरकार दे नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन थी। देखो, ये तो उसको स्टडी कर रहे हैं, कमीशन की है, लेकिन पोल्यूशन के लिए एक अकेली पराली को ठहराना गलत है, किसान के वो है उसका कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए, पराली की एमएसपी फिक्स करनी चाहिए, इस तरह गेहूं की है ना, चावल की है, इस तरह पराली की भी एमएसपी फिक्स करके उसका और कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है और कहीं किया जा सकता है, उसका रास्ता ढूंढना चाहिए। सर, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करेंगे आप, इस्तेमाल सर, जिस तरीके से प्रदेश में क्राइम ताजा मामला तिवाड़ी का है, आप क्या कह रहे हैं? जिस तरीके से प्रदेश में क्राइम प्रदेश में है ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है सरकार का
सरकार ही नहीं है हरियाणा में, विफल सरकार है। कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेवारी होती है, ये अपनी जिम्मेवारी से कठोर सजा चाहिए। इतने सरकार का भी होना चाहिए जो इतनी हिम्मत ना बढ़े, फिर सरकार है। इसके अपराध बढ़ रहा है, अपराध में नंबर वन जाने वाला है। इसके बावजूद ये सरकार कह रही है कि वो लौ जिहाद का कानून लेके आएगी, क्या प्रतिक्रिया है? वो तो ले आएंगे, जो देखेंगे। चलो धन्यवाद।